उच्च रक्तचाप हृदय रोग, दमा अस्थमा ब्रोंकाइटिस एलर्जिक राइटिस सार्कोइडोसिस लंग फाइब्रोसिस हर्निया बैकेक या कोई वीकनेस है वो धीरे धीरे करना चाहिए। पूरा लेना पूरा छोड़ना, जिनको कोई कष्ट नहीं वो मध्यम गति से करना चाहिए। और जो निरोगी है, जो योगी है, वे तेजी से करना। अब देखो तेजी से कैसे करना होता है, ऐसे जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा करना, लेकिन 5 मिनट से पहले रुकना किसी को नहीं, ये नियम है। तो चलो मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए प्रार्थना के साथ। हम भारत के स्वाभिमान हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। योग करो, निरोग रहो तन से मन से चित्त चेतना आत्मा से, फिर जीवन में अभ्युदय निश्चय सब सिद्ध होगा। जीवन में बाह्य भौतिक उन्नति भी होगी और भौतिक प्रगति के साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। रुकना नहीं है किसी को भी 5 मिनट से पहले, और श्वासों का भीतर आधान करते हुए मैं भगवान के आशीषों से अभिषिक्त हो रहा हूं। भगवान मुझे आशीष दे रहे हैं, मेरे पंच प्राण, मेरे पंच कोश, मेरी पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट है। 72,72,10,202 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नव द्वार पूरे जागृत हो रहे, देह देवालय बन रहा है, शिवालय बन रहा है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मायमात्मम ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का भाव। लंबे गहरे श्वासों के साथ 37 ट्रिलियन सेल्स को हम एनर्जाइज कर रहे हैं, दिव्य ऊर्जा से आप लाभित हो रहे हैं। इस भाव चेतना के साथ करना, मैं तीनों तरह से करूंगा, पहले तीव्रता से, फिर मध्यम गति से, फिर धीरे धीरे। मैंने अभी पहले धीरे फिर मध्यम और तीव्र गति से आपको बताया ना, तो कीजिए। किम तद् ब्रह्म, किम तद् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिदैवम च किम प्रोक्तम। ये योग क्या है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, अधिदैवम च किम। किम अध्यात्म उच्यते, अक्षरम परमं ब्रह्म, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भूत भावो भाव करामि सर्व कर्म सज्जितो। गीता के 8वें अध्याय में जब अर्जुन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं वो ब्रह्म क्या है, वो अक्षर क्या है, वो अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अक्षरम परमं ब्रह्म, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, भूत भाव उद्भव करः विसर्गो कर्म सज्जितः। ऐसे पूरी ऊर्जा के साथ ना, बिना हिले डुले एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास का।
पांच मिनट से पहले रुकना ही नहीं है। जब आप लगातार पांच मिनट करते हो ना, तो ये गले की मांसपेशियां, ये फेफड़े सब दुखने लगेंगे आपके, और अंदर तक पूरा देखो ये पूरा पसीना बह रहा है। मैं तो इसलिए ये कपड़ा पहना हुआ है कि जो है जब एक बार अभी सर्दी जा रही है ना, तो सर्द गर्म ना हो जाए, अचानक पसीना आता है फिर सूखता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक, संयम पूर्वक, संतुलन पूर्वक ऋतुओं के आगमन काल और गमन काल में बहुत विवेकी होकर के सावधानी पूर्वक आपको बरतना पड़ता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य मध्यम तीव्र गति से आपने भस्त्रिका किया। अब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, योग से बोलो व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति करनी है। ये एक सत्य हो गया, योग से व्याधि मिटती है और समाधि लगती है। भस्त्रिका के बाद अब कपाल भाति करें, इसको विस्तार से कहूंगा आज। दूसरी बात, सामान्य रोग ही नहीं, जेनेटिक रोग हमें मिटाने हैं। और ये बात कोई नहीं कहता पूरी दुनिया में कि जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक लीवर किडनी की प्रॉब्लम, जेनेटिकली हो रही है पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं और मैंने उनको ठीक किया इसलिए जानता हूं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज का कोई समाधान नहीं, एलोपैथी में उसकी दवाई नहीं। अभी उनको एबीसीडी नहीं पता है कि ठीक कैसे होगी, लेकिन मैंने पॉलीसिस्टिक ओवरी, यही पर सबसे पहले जब शिविर शुरू हुआ था तो कलकत्ता से एक परिवार आया, स्नेहा बेटी और उसकी भाभी, दोनों की दोनों को पॉलीसिस्टिक ओवरी हो गई थी। उसे जो ननद थी उसको तो दाढ़ी मूछ आ गए थे, और जो उसकी भाभी थी उसको संतान नहीं हो रही थी पॉलीसिस्टिक ओवरी से। यहां से गई, तब जाते समय मुझे बताया जी अब हमको संतान भी हो गई और पॉलीसिस्टिक ओवरीज कब ठीक हुई। हम लगातार आपने जैसे बोला एक एक घंटा कपाल भाति करते रहे, ठीक हो गए। ये बड़ी बातें हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिस बेटी को वो दाढ़ी, ये हार्मोनल इंबैलेंस भी होता है, जिसको वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही थी उससे, उसको दाढ़ी मूछ आ गई तो वो भी अपने आप ठीक होगी। बहुत महिलाओं को आपने देखा होगा दाढ़ी मूछ आ जाते, और बहुत पुरुषों को दाढ़ी मूछ ही नहीं आते, प्रोस्टेजन हार्मोन की कमी हो जाती है। योग से दोनों ठीक हो जाते हैं। करते रहो, रोकना नहीं है किसी को भी। हाँ, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक डिप्रेशन भी होता है। देखो कपाल भाती लेके साथ करेंगे, कोई रुकेगा नहीं, बस इसमें एक्यूप्रेशर कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है, और एक बार तो एक राउंड तो सभी कर लो, सारे पॉइंट यहाँ से शुरू करके, आंतों का पॉइंट है ये, पेनक्रियाज का, ये हार्ट का, ये आँखों का, यहाँ पर ये फेफड़े का, ये थायराइड, ये पेट का, ये थायराइड का, ये किडनी का, फिर ये स्ट्रेस के, और फिर एक राउंड पीछे से भी कर लो, ये सारे दर्दों के, ये हाथों का दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस, पेन, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो और बैक एक, ये एक दो तीन चार, और ये पांचवा सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, यहाँ से ये कमर दर्द, फिर ये हाथ का दर्द,
ये फ्रोजन शोल्डर, ये टेनिस एल्बो, और फिर और भी ज़्यादा दर्द हो तो ये भी थोड़ा ऐसे ऐसे दबा लें। फिर पसलियों में दर्द हो यहाँ तो ये इसके नीचे, और नाभि भी डिग गई हो तो और इसके मूल में, ये पीछे से दर्दों के और आगे से सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने के। ये भी सुपर साइंस है, ये योगिक सुपर साइंस है। क्या है बोलो? सुपर साइंस, अल्टीमेट साइंस, अल्टीमेट ट्रीटमेंट। तो अभी मैं जेनेटिक बीमारियों के बारे में बात करता हूं। दो बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में मॉडर्न मेडिकल साइंस अभी मौन है। एक तो ऑटोमेन डिजीज, उसी में SLE भी आ गया, MS भी आ गया, उसी में MND भी आ गया। इनमें इसमें मौन है मॉडर्न मेडिकल साइंस। वो कहते हैं अभी हमको ये पता ही नहीं लग रहा है, ये उपद्रव हो कैसे रहा है शरीर में, हमको पता है। समदोषः समाग्निः समधातुमल क्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्त्यत्य विधीयते। दोषों की विषमता, जब एक्सट्रीम लेवल पर बिगाड़ हो जाता है, अंदर उपद्रव हो जाता है शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, संवेदनाओं के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, किसी न किसी रूप में कोई भी बिगाड़ पराकाष्ठा पर हो गया तो उसको बोलते ऑटोमेन डिजीज। शरीर के अंदर उपद्रव ऐसा हो गया कि शरीर को पता ही नहीं लग रहा मेरा अपना कौन है, पराया कौन है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे कोई आदमी गुस्से में पागल हो जाए, तो गुस्से में कोई पागल हो गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया उसका, उसको बोलते हैं ये आदमी गुस्से में पागल है, अंधा है। ऐसे कोई काम में अंधा हो गया, काम में अंधा होने पर आदमी रिश्तों को तार तार कर देता है। आपने सुना होगा देश और दुनिया में सब जगह हो रहा है। ससुर पागल हो गया, अंधा हो गया, उसने अपनी बेटी के साथ ही गलत कर दिया। बाप ने बेटी के साथ गलत कर दिया, भाई ने अपनी बहनों के साथ गलत कर दिया, और सगे रिश्तों के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में, चाचा ताऊ में। इसलिए जितने भी दुनिया में गलत काम होते हैं वो नजदीकी रिश्तों में ज्यादा होते हैं। पागलपन आ गया, पागलपन में उसको पता ही नहीं लगा तू कर क्या रहा है। तो जैसे ये, और कई बार आदमी अपने आप को मार लेता, आत्मघात कर लेता, जिसको सुसाइड कहते हैं, या दूसरों को मार देता है, मर्डर कहते हैं। कब करता है? जब पागल हो जाता है। ये तो गुस्से का पागलपन है और सारा संसार इसको जानता है। तो जैसे मन पागल होता है, मन अंधा होता है, ऐसे शरीर में भी पागलपन आता है। ये जो साइटोकाइंस आजकल जो समझा रहे ना सब, कोरोना में ये तूफान उठता है, और कोरोना अंदर कोई प्रजनन नहीं करता है कि एक कोरोना अंदर ब्याह गया, बच्चे पैदा हो गए, उसके प्रजनन हो गया और बढ़ गया, मल्टीप्लाई होकर लाखों करोड़ों में। नहीं, वो एक सेल गया और उसने आपके सेल्स को सिग्नल दिया कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ, वो दूसरे सेल भी वैसे हो जाते हैं और फिर अपने शरीर के खिलाफ काम करने लगते हैं, सब उथल पुथल हो जाता है, सारे जो है TLC DLC WBC प्लेटलेट्स सब, WBC RBC सब गड़बड़ होने लगते हैं, BP शुगर सारे पैरामीटर्स उथल पुथल होने लगे, तो इसका मतलब समझ लो कुछ गड़बड़ हो रही है। वो कैसी पागल दुनिया है। वैक्सीन में भी यही होता है, वो आर्टिफिशियल बैक्टीरिया जैसे लगने वाले, लेकिन बैक्टीरिया और वायरस नहीं होते, ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है। जब कोई भी एंटीबॉडी आएगा, तुम्हारे घर में कोई शत्रु घुसे, पाकिस्तान या बांग्लादेश या कोई और, चाइना या कोई दूसरा तीसरा हमारी सीमाओं से अंदर घुसे, तो हमारी सैनिका करेंगे, उनके खिलाफ युद्ध करेंगे, सीधी सी बात है, उनकी ड्यूटी है, तो बॉडी की ड्यूटी है। जैसे कोई एंटीबॉडी जाता है तो उसके खिलाफ लड़ता है, तो शरीर में एक विद्रोह पैदा हो जाता है, इसी का नाम है
ऑटोइम्यून डिजीज। शरीर जब कोई भी कोलाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए, कफ बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए ऑटोइम्यून डिजीज कोई एक बीमारी नहीं है। उसमें लीवर को भी सफ़र करना पड़ता है, किडनी को भी सफ़र करना पड़ता है, आंतों को भी सफ़र करना पड़ता है, उसमें लंग के लिए भी चैलेंजेस आते हैं, हार्ट के लिए भी आते हैं, उसमें हड्डियों के लिए भी चैलेंजेस आते हैं, नर्वस सिस्टम के लिए चैलेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन के लिए चैलेंजेस आते हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज को ऐसे आप कहीं नहीं पढ़ोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं इसको ठीक करता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सारे करते रहो तो क्या करो, ऑटोइम्यून डिजीज, SLMS और MND, इसी तरह से पार्किंसंस और एक्यूट डिप्रेशन, जिसको सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, एक्यूट डिप्रेशन। अभी मैं खाली फिलोसफी नहीं सिखा रहा हूं, यहां आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। क्या करो, सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा रखो, अपने मन को शांत करो, मन का तूफान खत्म करो। पहले मान के चलो, क्या करना है, मान के चलना है, अपने मन का तूफान खत्म करो पहले, और जितने भी सुनी सुनाई बातें उन सबको डिलीट करो। पहले तो मानो, मेरी मानो, क्योंकि मैंने उस संदर्भ में प्रामाणिकता से लोगों को इन बीमारियों से उभारा है, इसलिए मेरी मानो। और मैं मानने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे इतने रुपए दे दो, इतने पैसे दे दो, मेरी पूजा करो, मुझे भगवान मानो, मेरे कहने से मेरे लिए कुछ करो। आपको अपने लिए कह रहा हूँ, मेरी मानो एक बात, दूसरी बात मेरी मान करके अपने मन को शांत करो, मन को शांत करो। जितने भी आज तक बातें सुनी हुई हैं, सारे आग्रह है, इनको डिलीट कर दो। किसी भी संदर्भ में कुछ भी सुन रखा है, फिर जितनी भी मिथ्या अवधारणाएं हैं, झूठे आग्रह, इसको मिथ्या अवधारणा बोलते हैं, सुनी सुनाई बातें, ये तोड़ दो, डिलीट कर दो, हटा दो, मिटा दो इनको। फिर योग पूरा करो, शरीर जो है उसको हमें उभारना है। शरीर तो हमारा मित्र है, कोई शत्रु थोड़ी है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे मित्र है। लेकिन ये शत्रु जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, किसी बैक्टीरिया, वायरस या किसी विचार से संक्रमित होकर के, किसी बैक्टीरिया, वायरस या विचार से आप संक्रमित हो गए हो, कोई बात नहीं, चलो अपने आप को भारो। उद्धरित आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादय, आत्मै वि आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के आत्म संयम योग के 2 श्लोक सुना रहा हूं। शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्या धृति गृहीतया, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। अपने आपे में आ जाओ, भगवान बुद्ध कहते हैं अपुदीपो भवा, स्वयं ही जीता। पूरी तरह से आत्म केंद्रित होकर के एक एक घंटा कपाल भाती, एक एक घंटा अनुलोम विलोम करो, जो भी शरीर में बिगाड़ हुआ है रिकवर हो जाएगा। सर 5 वाक्य बोलता हूं हमेशा,
डीजर्नेट हुए सेल्स रीजर्नेट होंगे बॉडी के, टूटा हुआ मन दोबारा उभर जाएगा, रिजुवनेशन होगा तन के स्तर पर, मन के स्तर पर रिजुवनेशन, सब कुछ बैलेंस होगा, बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एनर्जी का, बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन। तुम्हारे भीतर अनंत सामर्थ्य है, यू हैव अनलिमिटेड नॉलेज, इमोशंस, अनलिमिटेड पावर, कैपेसिटी, यू हैव अनलिमिटेड पीस, जॉय, हैप्पीनेस इन अवर सोल, वी आर कंप्लीट सोल्स, हम सब संपूर्ण पूर्ण आत्माएं हैं, इनकम्प्लीटनेस, लोनलीनेस, खालीपन, सोनेपन को हटाओ। इस पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है, एक बार अनुभव तो करो। अपने मन को एक स्थान पर एक एकाग्र करो, मूलाधार से सस्रार तक, अथवा एक एक मिनट, दो दो मिनट, पांच पांच मिनट, एक एक स्थान पर एकाग्र करो, मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, मणिपुर में, हृदय में, विशुद्धि में, आज्ञा में, भ्रुकुटी में, सस्रार में, और अंतर्मुखी होकर के शनि शनि उपरमित बुद्धाधृति गृहित है आत्म संस्थ मन कृतवान की चिंता विचित, और फिर भगवान के क्षण में आ जाते, भगवत शरणागति इसको कहते हैं, भगवत शरणागति, शरणागति। और भगवान तो सारे जगत का आधार, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, प्रभु आपकी शरणागत उद्धार करो। यहां से यात्रा शुरू होगी, मन को शांत करो, भगवान की शरणागति लो और संकल्पित हो जाओ, शरणागति और संकल्प सिद्धि, ये प्रोसेस बता रहा हूं आपको मैं, ये प्रवचन नहीं है, ये मेथड है, ये एक मैकेनिज्म है असाध्य रोगों से, और ये खाली ऑटोमन डिजीज, SLEMS, MND, पार्किंसंस, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया, पागलपन जैसे हो जाते हैं लोग, एक क्षण भी जीना नहीं चाहते, वो कहते मरने में ही सुख है, और उनको सब कुछ गलत दिखने लगता है, उनको माता पिता भी बुरे दिखते हैं कि इन्होंने मुझे जन्म क्यों दिया, उनको भगवान भी बुरे दिखने लगते हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई क्यों, ओ दुनिया के रखवाले सुर, दर्द भरे मेरे नाले, मुझे दुनिया से उठा ले। पागलपन में आदमी बहुत बुरी हालत में पहुंच जाता है, नहीं, अपने आप को उभारो, उद्धरित आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादित, आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मा रूपो आत्मनो, कुछ गड़बड़ हो भी गई है, तुम उभारो अपने आप को, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, बॉडी के स्तर पर, माइंड के स्तर पर, थॉट्स के स्तर पर, अपने आप को जो हो वो अनुभव करो, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हारा पूरा रूपांतरण हो जाएगा, रोगी से तुम पूरे निरोगी बन जाओगे, योगी बन जाओगे, उपयोगी बन जाओगे, उभार लेंगे प्रभु, प्रभु आपकी शरणागत हूं, उद्धार करो, और फिर आपको उभारने के लिए हम दवाइयां देते हैं, हमने बेस्ट आपको अल्टीमेट मेडिकेशन दिया है, यहां से योग तो अल्टीमेट है, यहां योगासन, प्राणायाम, ध्यान, देखो समग्र योगाभ्यास हम कराते हैं, समग्र वैज्ञानिक और इफेक्टिव
योगा प्रैक्टिस, कंप्लीट योगा प्रैक्टिस, कंप्लीट आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, कंप्लीट माने षटकर्मा से लेकर के पंचकर्मा से लेकर के सारे उपचार आपको एक साथ उपलब्ध करा रहे हैं। रस रसायन वटी पाक चूर्ण अवलेह पिष्टि आयुर्वेद का जो सारा ट्रीटमेंट है ना, आहारचर्या से लेकर दिनचर्या से लेकर के सब कुछ, फिर दैवी चिकित्सा, धूम चिकित्सा, ये धूम चिकित्सा को ही यज्ञ चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में। इसका पूरा ये जो हवन होता है यहाँ पर, ये कोई कर्मकांड नहीं करते हम यहाँ, लोगों के लिए तो बहुतों के लिए धंधा होगा कि 11,000 51,000 1,00,000 रुपए दे दो तुम्हारी ये पूजा कराते हैं वो पूजा कराते हैं। हम यहाँ सबकी पूजा कर रहे हैं, जिनको भी असाध्य रोग है वो यज्ञशाला में कम से कम 1 से 3 के बीच में वहाँ बैठ करके, जिनको बहुत ही खतरनाक रोग है वो 3 घंटे बैठा करो, थोड़ा सा तो मिलता है आपको खाना से, खा के चले गए अपने बैठ गए, 3 घंटा अनुलोम विलोम कर, और वहाँ सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियाँ, गाय का घी, सुबह से शाम तक मुझे, मैंने पूछा नहीं कभी, क्योंकि हम इसका हिसाब किताब करते नहीं, जब से हम हरिद्वार में आए तब से, गुरुकुल में भी नहीं करते थे। 10 किलो लगता है कि 5 किलो लगता है कि 15 किलो लगता है, रोज़ घी लगता है उसमें, गूगल लगता है, अलग अलग प्रकार की सामग्रियाँ डालते हैं, 50,000 खर्च होता है कि 1,00,000 रुपये खर्च होता है, होने दो भाई, इसमें क्या बात है, तो सबके उद्धार के लिए, सबके उपचार के लिए है। और इतना ही नहीं, वो दैवी चिकित्सा है, वो जिसको कहते नहीं तो अननोन डिजीज है, तो अननोन डिजीज है तो हमारे पास अननोन ट्रीटमेंट भी है, ये अननोन ट्रीटमेंट है, उसमें उसका पूरा लाभ लिया कर। तो योग अल्टीमेट, आयुर्वेद, इम्यूनोग्रिड, चूर्ण सबको डाइजेस्ट नहीं होता, मैंने देखा जब शरीर काम नहीं करता तो दवाई हजम भी नहीं होती ना, कहते दवाई लग नहीं रही, तो फिर उसके लिए हमने क्या, दवाई भी ना लगे तो हमने उसकी सब एक्सट्रैक्शन कर दिए। आपको हम ये जो दवाइयाँ देते हैं ना, ऑटोमन डिजीज से लेकर के पार्किंसन से लेकर के, और जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, बोले शरीर काम ही नहीं कर रहा, तो उनको इम्यूनोग्रिट देते, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 आदि अलग अलग प्रकार की जो ओमेगा की पूरी सीरीज है उससे युक्त, और सीबकथोन एक ये भी ईश्वरीय वरदान है धरती पर, वो भी देते हैं। फिर विटामिन बी का एक पूरी सीरीज है, वो पूरी कमी हो जाती है तो उससे भी शरीर पे साथ नहीं देता, तो उसके लिए मोरिंगा भी देते हैं। ये दवाइयों के तौर पर नहीं, ये तो आपको उभारने के तौर पर है। फिर प्रोटीन्स, प्रोटीन जो है वैसे आपको 50-100 ग्राम खाना पड़ता है, किसके रूप में, जो है ये सोयाबीन वाला, फिर मिल्क वाला, वे प्रोटीन, फिर अलग अलग जो मांसाहारी हैं तो मांस और पता नहीं क्या क्या खाते हैं सब, तो वो 100 ग्राम, और इधर जो है 2-4 ग्राम ही काम कर जाए तो उसके लिए स्प्रिलिना देते हैं, मोरिंगा, स्प्रिलिना, इम्यूनोग्रिट, सीबकथोन। फिर ये जो हल्दी का जो करक्यूमिन है ना, वो भी अंदर के इन्फ्लेमेशन से लेकर के कैंसर से लेकर के सब बीमारियों से उभारने में काम करता है, लेकिन रोगी की अवस्था देख करके देते हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड एक्टिव उसमें 95% है, जब यदि 100% एक्टिव होगा तो उसको 100% बोला जाएगा, तो 100% भी दिया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सराय गूगल और जो है अश्वगंधा भी मिलाया, इसलिए उसको नाम ही रखा है कर्क्यूमिन गोल्ड। उसका रंग भी सुनहरा होता है पूरा, और उसमें एक्टिव होता है 95%। जब कोई भी एक्टिव कंपोनेंट, जैसे इसमें कर्क्यूमिन, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन, ऐसे अलग अलग जैसे ग्लूटामेटिन कार्टिसाइड, जैसे अश्वगंधा में विथिनोन, ये एक्टिव उसमें 3-5% होता है, उसको एक्सट्रैक्शन करके निकाला जाता है, मनुष्य ने ऐसे शोध कर लिए, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हम वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान, सनातन और नूतन को दोनों को मिला के चलते हैं।
करो सब, लय के साथ करना, लय के साथ। कपाल भाती करते करते रे, वो मिल जाता है जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, साथ में आयुर्वेद की औषधियों की मदद। ये तो अभी मैंने शक्ति वर्धक, तुम्हारी शक्ति का क्षय हो गया, इसको बोलते ओज क्षय, आयुर्वेद में ओज क्षय हो गया, इससे बीमारियां हो गई। चलो ये तो एक एक पक्ष हुआ। फिर इसमें पंचकर्मा षटकर्मा की चिकित्सा के साथ, अलग अलग थेरेपी के साथ, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, अलग अलग थेरापियां, एकोप्रेशर चिकित्सा, ये सारी चीजें आपकी मदद करने के लिए। माने कोई कसर मसर छोड़ी नहीं हमने। अब इससे एक तो एक पक्ष बताया मैंने, ये ऑटोमेटिक चीज। अब जेनेटिक बीमारी, जेनेटिक बीमारियों के लिए यहां मैंने कहा भी ये मौन है बेचारे। जेनेटिक बीमारियों के ऊपर एक वेलकम फाउंडेशन है यूके में, वहां गया मैंने, सारा देखा वाला। मैंने पूछा भाई तुमने बना रखा है, तुम किस निष्कर्ष पर पहुंचे, अभी तक मिला क्या तुम्हें? बोले जी अभी तक जेनेटिक डिजीज के कारण खोज रहे हैं, निवारण का तो अभी हमें पता ही नहीं, कारण ही पूरे पता नहीं लग रहे। सैकड़ों साइंटिस्ट लगे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों इनके सैलरी पैकेज हैं, करोड़ों करोड़ों की मशीनें लगा रखी हैं, आदमी के सब कुछ को छान मारा है, एक एक जीन्स क्रोमोजोम्स डीएनए से लेकर के, मैं कहता हूँ 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, एक एक सेल का स्ट्रक्चर 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के संघात से, कंपोजिशन से बना हुआ, सब कुछ खोज लिया, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है गड़बड़ कैसे हो रही है और इसको रिपेयर कैसे किया जाए, रिवर्स कैसे किया जाए जेनेटिक डिजीज को। वो अब देखो हम क्या इन सबसे सहायता लेते हैं, मॉडर्न साइंस ने जितने भी तरक्की की है उनसे हम सहायता लेते हैं, कपाल भाती करते रहो सब अपना अपना एक्यूप्रेशर के साथ, इनसे सहायता लेते हैं नहीं। लेकिन हमने जेनेटिक बीमारियां ठीक कर दी, और मुझे इन सब चीजों का पता कैसे लगा? मैं साइंस के बारे में जब बात करता हूँ और अलग अलग डिजीज के बारे में, कैंसर के बारे में, कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना बड़ा कारण है, उसमें ओबिसिटी कितना बड़ा कारण है, उसमें अलग अलग प्रकार के बीड़ी सिगरेट शराब आदि कितने कारण है, उसमें दिनचर्या कितना कारण है, उसके अंदर जो है खान पान कितना कारण है, और उसके अंदर जेनेटिक रीजन कितना बड़ा हेतु है इन सब का। और फिर मैं कहता हूँ ये सब तो कारण इसका, ये तो पूरी डायग्नोसिस तो हो गया, और उसकी मॉडर्न डायग्नोसिस हमारे एंसेंट जो डायग्नोसिस के तौर तरीके नाड़ी चिकित्सा से लेकर के और मर्म चिकित्सा से लेकर के और आधुनिक जितने भी डायग्नोसिस के तौर तरीके, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करता, हमने खुद ये मशीनें लगा रखी हैं मैक्सिमम। आगे और अभी तो आने वाले 5 सालों में सारी दुनिया की पैथियों में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम पतंजलि में अडोप्ट करने वाले हैं। हमारा किसी पैथी से हमारा बैर विरोध नहीं है, लेकिन और सारे डायग्नोसिस के तौर तरीके दुनिया की टॉप साइंस टेक्नोलॉजी सबको अडोप्ट करने, क्यों नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन जो वहाँ है ही नहीं, अब वहाँ सर्जरी के अलावा कुछ तौर तरीके नहीं, हम कहते बिना 99%, मैं कहता हूँ 99% दवा की दरकार नहीं, दवा की दरकार नहीं, 99% ऑपरेशन की जरूरत नहीं जी। तुमको क्या था भाई, करते रहो अनुलोम विलोम करो, बहन जी के पास लेकर के जाओ एक माइक। हाँ स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सत सत प्रणाम। प्रणाम, मेरा नाम पंकज कुमार आर्या है, मैं दिल्ली से आया हूँ, वैसे अलीगढ़ का हूँ जी। स्वामी जी मेरे को शुगर है, मेरे बाबा को, मेरे चाचा को, मेरे पिताजी को शुगर है जी जी, मेरे को भी शुगर है। 2015 से मेरे को डिटेक्ट। अनुलोम विलोम करो सब, कपाल भाती अनुलोम विलोम, और
जिनको शुगर है वो मंडूकासन में बैठ करके अपना करो, जो बता रखे हैं ना, अब आसन शुरू होंगे जी। स्वामी जी मेरे को पीपी की जो डायबिटीज है वो मेरी कंट्रोल नहीं होती थी, उसके लिए डॉक्टर ने 3-3 दवा दी मेरे को, खाने से 20 मिनट पहले, जस्ट खाने से पहले और खाने के बीच में, लेकिन फिर भी मेरी 172-250 भी शुगर रहती थी सर। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा प्रणाम करता था, लेकिन मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ उतना। लेकिन जैसे ही मैं योगग्राम में आया, मेरी शुगर 100-102 हो गई, और मैं कोई दवा नहीं ले रहा, कोई भी आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई नहीं लिया मेरे को। आज चौथा दिन है, और मेरे को वीकनेस थी स्वामी जी, मैं दिल्ली में सरकारी विभाग में काम करता हूँ, मैं जैसे ही ऑफिस से घर आता था, खाना खाते ही मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहता था स्वामी जी। इतनी वीकनेस थी, सुबह 5:30-6 बजे उठ मेरी की नींद खुलती थी। मेरे घर वाले परेशान होते थे कि ना आप कुछ करते हो, ना कुछ खाते हो, ना बच्चों को देखते हो, आके बस सो जाते हो, ऑफिस देखते हो। बच्चों को कहाँ देखे सर, खुद ही नहीं देखा जाए, ये हालत हो गई। तो स्वामी जी मेरे को यहाँ आके मेरी वीकनेस भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि और यहाँ कम खिलाते हैं और तब वीकनेस दूर करते हैं। लोग घर में ये खा जाऊं वो खा जाऊं। स्वामी जी यहाँ का जो डाइट शेड्यूल है बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, उत्क्रम है, उससे मुझे मेरा वीकनेस सारा सब कुछ ठीक हो गया। चलो पंकज जी बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद बेटा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। हाँ बोलो। मैं 4 दिन से आपके पास चरण वंदन करने के लिए, अभी तुमको ही लेके चलूंगा, अभी इंडिया टीवी पर आज हमने जेनेटिक बीमारियों के लिए रख रखा है, पूरा आशीर्वाद मिलेगा और 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। उसको बहन को देना भाई, जेनेटिक अभी बीपी का तो बहुत हो गया, शुगर का भी पूछ रहे हैं। बैठो बैठो बैठो। स्वामी जी कोटि कोटि नमन। बैठ जाओ। मैं कल ही बॉम्बे से आई हूँ, और मैं 4 साल से योगा से जुड़ी हुई हूँ, और मैं योगा टीचर हूँ, मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, मतलब सिंगापुर और दुबई ऑनलाइन, मतलब काफी अच्छा ऑनलाइन पर भी अच्छा चल रहा पूरी दुनिया में। लेकिन सर मैंने स्वामी जी आपका एक शिविर अटेंड करा था, तो मुझे शुगर, मेरे पापा को शुगर, घुटने में दर्द, मेरी मम्मी को, तो मुझे भी शुगर हो गया। क्या नाम बेटा आपका? कुसुम वशिष्ठ। कुसुम अब क्या हाल है तेरा? स्वामी जी अभी मुझे कोई शुगर नहीं है, घुटने भी, अभी मेरा 2nd फ्लोर पे घर है, आराम से चढ़ती हूँ, लेकिन मेरे पहले घुटने दुखने लगे थे, डॉक्टर ने बोला कि आपका लिगामेंट घिस गया, तो फिर मैंने ये कपाल भाती। और एक नई बात, मेरा अभी एक ये लॉकडाउन में मैं स्कूटी से गिर गई थी, तो मेरा ये फ्रैक्चर हो गया था स्वामी जी यहाँ पे, तो मेरी अभी जब मैं क्लास ले रही थी तो सब बोलने लगी कि अभी हमारी क्लास बंद होगी, लेकिन एक मैंने 5 दिन में 1 घंटा कपाल भाती और 1 घंटा अनुलोम विलोम लेटे लेटे मैंने बेड पे किया, तो वो मैंने 5 दिन में हड्डी जोड़ दी है, अभी भी आप ये देखिए। ये तो डॉक्टर ने ये कहा था, रास्ता मिल गया, तरकीब मिल गई कि ये कैसे ठीक होती है। स्वामी जी डॉक्टर भी हैरान हो गया कि ऐसे कैसे, मैंने 1 महीने का आपको वो टाइम दिया था, तुम 5-6 दिन मेरे यहाँ क्यों आई, मैं इनके मेरा एक्स्ट्रा कीजिए, और मैंने सारे आसन कराए हैं, छठे दिन मेरी क्लास स्टार्ट हो गई, और मैं अपनी क्लास की को एक अपने साथ में लेके आई हूँ, जो मैं आप इनसे भी पूछिए, मेरी क्लास में ही आती थी, और मैं अभी वीडियो भी 1-1 मिनट की बनवा के लेके आई हूँ सबसे, जो मेरी क्लास में आती थी, मैंने कहा आप मेरी एक वीडियो मेरे फोन में है स्वामी जी, आपको दिखा दूंगी जरूर तेरा देख। और स्वामी जी हमारी मुंबई की महिला पतंजलि आदरणीय कश्मीरा जी और रश्मि जी की कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श आपको। अच्छी बेटियां हमारे पूरे देश में महिला समिति बहुत अच्छा काम करती है, उसमें मुंबई दिल्ली और उत्तराखंड सबसे अव्वल ऊपर है, एक बार सबके लिए अभिनंदन। तो मेरी हजारों बहनों को तैयार कर दिया, 10,000 से ज्यादा तो असिस्टेंट टीचर्स तैयार कर दिए। और स्वामी जी अभी मैं इसलिए योग ग्राम में आई हूँ कि पूरा योग ग्राम का निरीक्षण करने, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे थेरेपी होती है, कैसे मोटापे के लिए क्या क्या खाने को दिया जाता है, सब क्या सीखने आई है, सब सीखने के लिए आई हूँ। अपने वहाँ बोईसर की मैं तहसील प्रभारी भी हूँ, तो बोईसर में जाके मैं अपना मिनी योग ग्राम खोलने की मेरी इच्छा है। क्या बात है। मैं कोशिश करूंगी कि पूरा एक लेडी से, मतलब मैं स्टार्ट करूंगी सारे थेरेपी और सब कुछ लेके जाऊंगी यहाँ से, जो मसाज का है जो भी है सब कुछ सीख के जाने वाली हूँ। ये लो ये अब सेवा। अब उम्र कितनी है तुम्हारी? 46 स्वामी जी। तो घर में क्या करते हैं पतिदेव? मेरे एटॉमिक पावर स्टेशन में ऑफिसर हैं।
तो वो अपना काम करते हैं, इसको सेवा की लगन लग गई है। हाँ स्वामी जी, मुझे मिनी योग ग्राम खोलना ही है। ठीक है, तू खोल लेगी तब। स्वामी जी चरण स्पर्श। बहुत अच्छा। स्वामी जी कोटि कोटि वंदन आपको। हाँ। मैं भी इनके साथ ही आई हूँ, मैं कांदीवली की तहसील प्रभारी हूँ। अच्छा। मैं भी 4 साल से योग कर रही हूँ स्वामी जी, और कश्मीरा दीदी और रश्मि दीदी ने आपको प्रणाम भेजा है, उनकी तरफ से भी आपको प्रणाम और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। देखो, और मेरे स्वामी जी हस्बैंड भी आए हैं, तो आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। स्वामी जी अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए हमें। अरे अभी लेकर के जाएंगे तुमको अब यहाँ से। मेरे तो स्वामी जी ये हड्डी जोड़ने का तो मुझे बहुत इतना, सभी मेरे पूरे बॉयसर में बोलते हैं कि ऐसे कैसे जुड़ गई आपका योगा से। मैंने और मेरे स्वामी जी 7 गांठें थी यूट्रस में भी, वो भी मैंने योगा से मेल्ट करी है, वरना ये कहते कि नहीं निकलवा दीजिए ऑपरेशन होगा। डॕाक्टर ने, मैं अपनी सोनोग्राफी भी करवाई है 2-3 बार, तो वो कहने लगे ऐसे कैसे। देखो ये एक ही चीज है लगन, मैं कहता हूँ ना, एक एक घंटा कपालभाति, एक एक दो दो घंटा अनुलोम। और मेरी स्वामी पहले योग ग्राम में लोग आते थे ना, तफरी करते रहते थे, मसाज करवाई और मस्टर्डों की तरह घूमते रहते थे। मैं सबको बीच बीच में टोकता हूँ, स्वामी जी मेरी 5 क्लास चल रही है। मुझे मसाज करा क्या है? मैंने कहा प्राणायाम कर ले, चुपचाप नहीं बैठ, खाली मसाज करने से काम नहीं बनेगा। मसाज करने वाले तो बहुत से सेंटर खुले हुए हैं, और उसमें तो उल्टी सुलटी मसाजे भी होते हैं और भी बहुत काम होते हैं, वहीं करवा लेते हैं, यहाँ क्यों आया है? ये मसाज सेंटर नहीं है ये। ये जो यहाँ होता है ना उसको पूरा करो, तो फिर देखो योग पूरा, आयुर्वेद पूरा। तो ये तो इसने तो कमाल कर दिया इस कुसुम ने तो। चलो चल रही है, ठीक है, आशीर्वाद तेरे को। अभी ये जितने सभी बात हुई इन सबको, अभी आज मैं खाली जेनेटिक बीमारियों के बारे में बात कर रहा हूं, अभी दूसरी कोई बात नहीं होगी। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, दो तो हो गई अब। अब बच गया जेनेटिक थायराइड, किसी का ठीक हुआ है जेनेटिक? पता कि जेनेटिकली थायराइड था वो ठीक हो गया, या जेनेटिक अभी देखो किडनी वाले और डायबिटीज वाले, पेट वाले मंडूकासन के साथ करो कपालभाति। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, तेरे को क्या ठीक हुआ है बेटा? मेरे बड़े भाई को बवासीर था, मेरी बहन को भी बवासीर था। क्या नाम आपका? बहन को डिलीवरी हुई उसके बाद से बवासीर हो गया, वो बहुत परेशान रहते थे। क्या नाम आपका? मेरा राधा बुंदेला। देखो ये जेनेटिकली राधा जी बवासीर भी होती है, ये बवासीर और भगंदर ये भी जेनेटिकली होता है। हमारी मम्मी को इतना ब्लीडिंग होती थी, मैंने उनको बहुत तड़पते हुए देखा है सर। तो इतना हमारे यहाँ सब पूरे परिवार को ये था, तो मुझे बहुत डर लगता था। तो मैं 2008 से आपके योगा से जुड़ी, विमल कास्टिया जी के से, उन्होंने मुझे इतना योग कराया कि हमारे परिवार में अभी सभी को मैंने योग से लगा दिया, और किसी को भी अभी बवासीर की शिकायत नहीं पूरे है। परिवार में की बीमारी ठीक कर ली, और मुझे भी नहीं है सर। अभी स्वामी जी मैं 2 साल पहले स्टूल से गिर गई थी, तो मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मेरा हैदराबाद में इलाज हुआ, वहाँ पे डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल नीचे बैठने को मना किया, सामने झुकने को मना किया कि आप बिल्कुल नीचे नहीं बैठना, सामने झुकना भी नहीं। मैंने उनका कहना माना, थोड़े दिन बैठी, लेकिन मुझे योगा करने में बहुत, शुरू से योगा करती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत होती। मैंने प्रण किया कि मैं स्वामी से भी विश्वास करती हूँ, मैं नीचे बैठने लगी, योगा करने लगी। आज मैं मंडूकासन पूरे आसन करती हूँ बैठ के, और बैठ के ही पूरे काम करती हूँ, वजन भी उठा लेती हूँ। ये सिर्फ मेरा योगा से ही ठीक हुआ है। जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो भी फ्रैक्चर थी, उन्होंने सिर्फ मुझे दवाई दिया था और उसमें एक सीमेंट भर दिया था, वो सीमेंट भी टूट गया और मेरी हड्डी जुड़ गई। एक्सरे निकाले, सीमेंट भर दिया जी, सीमेंट उन्होंने पता नहीं वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते सीमेंट जी, रीढ़ की हड्डी पे सीमेंट लगाया था, वो सीमेंट मेरा जो झुकने और एक्सरसाइज करने से निकल गया। लेकिन आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं नीचे बैठ के 2-2, 3-3 घंटे योगा कर सकती हूँ, झुक के काम कर सकती हूँ। रीढ़ की हड्डी भी जोड़ के आ गई और जेनेटिक बवासीर था वो ठीक करके आ गई राधा, बहुत आशीर्वाद, खुश हो। स्वामी जी आपको बहुत बहुत कोटि। चलो करो अभी अगले अभ्यास करो, मंडूकासन हो गया, शशकासन हो गया, रुको अभी अभी अर्थराइटिस किसका ठीक हुआ है? जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अर्थराइटिस, खड़े हो जाओ, जेनेटिक अर्थराइटिस।
मैं जेनेटिक बीमारियों के ऊपर ही बात करूंगा अभी दो तीन दिन, ये बहुत बुरा मामला है, एक के बाद दूसरी चैन बनी हुई है बीमारियों की। मंडूकासन, फिर वक्रासन, गोमुखासन के साथ अपना प्राणायाम करो। जेनेटिकली आर्थराइटिस ठीक होता है, माता पिता से आया। मैंने यहां बच्चों को देखा है, 20-20 साल के, 15-15 साल के बच्चे, हालत खराब आर्थराइटिस में। जी माता जी, पीछे इस माता जी क्या कहना चाह रही है? हाँ बैठो महामुनि। हाँ ओम स्वामी जी, आप लोग कपालभाति, वक्रासन और गोमुखासन के साथ करो अभी। हाँ जी, ओम स्वामी जी, मैं दिल्ली से आई हूँ, वैसे योगा टीचर भी हूँ मैं। क्या नाम है? सुमन। सुमन, हाँ तेरे को क्या था? अर्थराइटिस था, मेरी मम्मी के भी था। ओ, और मेरी एड़ी की हड्डी बड़ी हुई थी। रीढ़ की हड्डी? एड़ी की, एड़ी की हड्डी, एड़ी की मेरी मम्मी के भी बड़ी हुई है। ओ, तो एम्स में दिखाया, मुझे कहा कि ऑपरेशन होगा इसका। हाँ। दोनों पैरों की हड्डियों का। हाँ। फिर सब ने कहा कि ऐसा है, आप ऑपरेशन मत कराओ, सीधा योगग्राम जाओ। अच्छा। 2017 में मैंने वो टीचर्स ट्रेनिंग ली भी थी उस वहाँ पतंजलि में। अच्छा अच्छा, फिर अब क्या हाल है? तो यहाँ आके मेरी एड़ी की हड्डी दर्द बंद हो गया है और अब खूब दौड़ती हूँ। खूब दौड़ती? हाँ जी। उम्र कितनी है तुम्हारी? 55 है। वो रीढ़ की हड्डी बढ़ जाती है ना, तो ऐसे दर्द होता है उसमें, जैसे किसी ने भाले चुभा रखे हो। हाँ? अब दौड़ रही है सुमन। और माँ को भी था है जेनेटिकली। अब बोली हड्डी कैसे घिसी भी वापस कर देते और बड़ी भी घिसा देते, दोनों काम करते हैं हम। हाँ? चलो सुमन, बहुत आशीर्वाद तेरे को भी। धन्यवाद स्वामी। जेनेटिक आर्थराइटिस था, जेनेटिक आर्थराइटिस का पूछा मैंने। हाँ, अभी ये तो आज तो जेनेटिक वाला मुझे लगता है 1-2 चैप्टर ही पूरा हो पाएगा। क्या कहने चाह रहे हैं पीछे? हाँ। ओम स्वामी जी, बाकी करो कपाल भाति। ओम स्वामी जी, प्रणाम। आज मैं प्राणायाम से शुरू किया, ये प्राणायाम से पूरी चैन ठीक होती है, पूरा रिवाइव होता है। जी ओम स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। मेरा 25 साल से आर्थराइटिस है। 25 साल हो गया। 25 साल हो गया। और उम्र कितना हो गया इसमें? अच्छा है, उम्र 81। 81? हाँ। आप तो अच्छे दिख रहे हो, अच्छे वाले। हमारे पत्नी आपके लिए लेके आया इधर, और पत्नी वो जो जोग टीचर है, जोग टीचर है उधर, बहुत शिविर चलाता है अभी। असम से हो क्या? हाँ? असम से हो कि बंगाल से? नहीं नहीं, बंगाल से। बंगाल में, असम में, उधर भी हमारे खूब योग टीचर है, खूब सेवा करते हैं। योग टीचर अभी भी जोग शिविर चलाता है। तुम्हारा भी क्या हाल है आर्थराइटिस का? हमारा आर्थराइटिस अभी थोड़ा ठीक ही है, लेकिन बहुत घुटने में दर्द नहीं है अभी। अभी कपालभाति अनुलोम विलोम करने के बाद थोड़ा अच्छा है। अभी यहाँ पीड़ा नहीं लो, ऑर्थोग्रिड शुरू कर दिया? नहीं शुरू नहीं किया, कल मिला है, कल दवाई मिला, आज से शुरू करेंगे। पूरा ठीक हो जाएगा। और इसके साथ हमारा प्रॉब्लम भी हो गया, 3 ब्लॉकेज दिखाई दिया, 3 ब्लॉकेज। तीन ब्लॉकेज बता दिया हार्ट में? हाँ, 60-80-90% वो भी निकल जाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ, अभी एक घंटा करके अनुलोम विलोम, स्वामी जी एक घंटा करके अनुलोम विलोम करता हूँ, अभी थोड़ा दर्द नहीं है, दवाई दिया है इधर, अभी शुरू करेंगे। कर दो, कर दो। ये ब्लॉकेज हार्ट की भी जेनेटिक डिजीज चल रही है, ये भी जेनेटिक, सारी बीमारियों की चैन ऐसी। मुझे तो ऐसा लगता है ये धरती पे योग ना होता ना, तो धरती अभी तक तो प्रलय हो जाता। इस तरह से जेनेटिक बीमारियां, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, बवासीर, कब्ज, कब्ज भी ये जेनेटिकली होता है। उसको तो मैं गिन बीमारियों में ही नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन वो बड़े भयंकर बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन भी जेनेटिकली होता है। स्वामी जी, मेरा पोती का पैर में एक्जिमा था, बहुत डॉक्टर देखा, डॉक्टर बोले कभी नहीं, जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। तो आपको टीवी में देखा, 2 महीने के अंदर वो आपका एकदम छाप छापा हो गया। क्या था उसको? वो ये एक्जिमा था। एक्जिमा? हाँ, एक्जिमा। 2 महीने के अंदर आपको देखा टीवी में, उसके बाद 2 महीने कपाल भाती अनुलोम विलोम किया और अभी कम्प्लीट एकदम छापा हो गया। बहुत अच्छा, जो है सोरा इसे ठीक कर लिया। चलो बहुत आशीर्वाद।